दोस्तों, क्या वाकई में खिलाड़ी कुमार और खिलाड़ी कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि सूर्यवंशी इंडिया के लिए पनौती साबित हुई है? दोस्तों, मैंने यह सवाल आप लोगों से क्यों पूछा है, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई पेड़ी कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। और भाई, ये सवाल इसलिए आप लोगों से पूछना जरूरी है क्योंकि भैया एक हैशटैग आज हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी ट्रेंड में है, हैशटैग पनौती। यानी कि भैया इस हैशटैग के माध्यम से खिलाड़ी कुमार के जितने अपोनेंट है ना, जितने भी हेटर्स है ना, वो उनके ऊपर लगातार निशाना साध रही है, कहते हुए कि भाई अगर कल खिलाड़ी कुमार इंडिया और पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए दुबई नहीं जाते तो भाई इंडिया इस मैच में आराम से हरा देता किसे, तो भैया अपने चिर प्रतिद्वंदी यानी कि पाकिस्तान को। यानी कि भैया इतिहास में ऐसा पहली बार कल हुआ जब इंडिया वर्ल्ड कप के किसी इवेंट में पाकिस्तान जैसी छोटी टीम से हार गया। यानी कि भैया पाकिस्तान को तो हम मुकाबले में कहीं देख नहीं रहे थे, ये हमारे टीम का ओवर कॉन्फिडेंस कहें या फिर क्या कहें मेरे भाई, कल तो वाकई में ऐसा झटका लगा जो कि मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। और मैं यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब हम लोग भी बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो भैया गली क्रिकेट में भी ये बात हम अच्छी तरीके से जानते थे कि भाई आज जो अच्छा खेला वही विजयी हुआ, यानी कि भैया जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। और भाई कल जब मैच की शुरुआत हुई और शुरुआत से जो अप्रोच हमें देखने को मिला पाकिस्तान टीम का, वो जीतने वाला अप्रोच था। यानी कि उन लोगों ने कहीं भी मैच को इतना ढीला नहीं छोड़ा जहां पर इंडियन टीम जो है वो पकड़ हासिल कर पाए पाकिस्तानी टीम के ऊपर। यानी कि भैया कहते हैं ना कि हमारे इंडियन टीम के जितने भी प्लेयर्स थे उनके शोल्डर डाउन नजर आ रहे थे, यानी कि भैया उनका मोरल काफी डाउन हो गया था पाकिस्तान के अप्रोच को देखने के बाद। और ऐसा लग रहा था कि क्या कहूं भैया, जब पाकिस्तान ने अपना बॉलिंग वाला सीजन कंप्लीट किया ना, तो उसी वक्त ये इंटेंशन दिल से आने लग गया था कि भाई इस बार मिरिकल जो है वो पाकिस्तान के साइड में आ चुका है। यानी कि भैया पाकिस्तान को जिस मिरिकल की तलाश थी वो कल उनको मिल गया और वो कल अच्छा खेल दिखाते हुए इंडिया के ऊपर में हावी हुए और पहली बार उनको इंडिया पर जीत हासिल हुई। तो भाई अच्छी बात है, पाकिस्तान ने कल अच्छा खेल दिखाया और वो मैच जीते, और हमें इस बात को एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि भैया उन्होंने कल अच्छा खेल खेला था, इसी वजह से वो जीते और हमारी टीम जो है वो कल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। भाई कोई कोई दिन होता है ना किसी का, मतलब बच्चों का भी कोई दिन होता है, कल उनके लिए लेमन चूस खाने का दिन था तो वो लेमन चूस खा लिए, लेकिन वो एक ही बार इस लेमन चूस का आनंद ले पाएंगे ये सब तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद जो कोहली और उनकी टीम है, पाकिस्तान को ये मौका देने वाली है नहीं। यानी कि इस मैच के बाद मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी इंडियन टीम जो है वो फाइनल खेल रही है और वर्ल्ड कप लेकर आ रही है। यानी कि भैया ये जो झटका है ना इंडियन टीम के लिए, यही इंडियन टीम को उठाएगा और फाइनल तक ले जाएगा और फाइनल भी हम जीत कर आएंगे, ये बात आप याद रखना। यानी कि भैया हमारी इंडियन टीम के जितने भी प्लेयर हैं वो अगर इस दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं तो वो आराम से वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और भाई हम सभी इंडियंस को अपनी टीम का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनका मोरल डाउन करना चाहिए। यानी कि भैया हमारी यही इंडियन टीम है जो कि लगातार पाकिस्तान को जीतने का मौका नहीं दे रही थी मेरे भाई, जीतने का मौका नहीं दे रही थी, लेकिन कल 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 उनका दिन था। और कहते हैं ना दिन वाले हमेशा नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि भैया हमारी जो टीम है उनसे फार बेटर है, बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन क्या कहें कल सब कुछ उल्टा हो गया। तो भैया पाकिस्तान कल जीत गई, चलो जश्न मनाने दो उनको, हम लोगों ने इतने सालों तक मौका मौका उनको बोला है, एक बार उनको मौका मिल गया, वो मौका मौका अब इसी पर पूरी जिंदगी भर बोलते रहेंगे, लेकिन वो इंडिया टीम से कभी भी पार नहीं पा पाएंगे। तो दोस्तों कल पाकिस्तान ने कल मैच जीत लिया, चलो भाई ये बात हम लोग मान लेते हैं कि भैया पाकिस्तान कल विजयी हो चुका है, लेकिन ये बात तो आप सब अच्छी तरीके से जानते ही हो कि भैया खिलाड़ी कुमार अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि सूर्यवंशी के प्रमोशन के लिए दुबई जाने वाले थे। इस बात की जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों ने आपको दी थी, लेकिन क्या कल खिलाड़ी कुमार ने अपनी आने वाली इस फिल्म यानी कि सूर्यवंशी के प्रमोशन को किया? नहीं ना, कहीं भी कोई भी एक्टिविटी सूर्यवंशी की टीम की तरफ से दिखाई गई? नहीं ना। तो क्या
खिलाड़ी कुमार के कुछ पिक्चर्स को दिखा दिखा कर ये बात कही जा रही है कि देखो खिलाड़ी कुमार कितना हंस रहे हैं, वो पाकिस्तान को जीतते हुए बहुत ही खुश हैं, पाकिस्तान को जीतते हुए देखकर काफ़ी खुश हैं। यानी भैया कुछ फोटो कुछ वीडियोस दिखा दिखा कर खिलाड़ी कुमार को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो दर्द जो दुख खिलाड़ी कुमार के दिल के अंदर होगा वो वही जानते होंगे, क्योंकि जितना दर्द हम सभी इंडियंस को हुआ है ना उतना ही दर्द खिलाड़ी कुमार को भी हुआ है कल इंडिया के हार पर। लेकिन भाई कुछ लोगों को मौका 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 मिल गया मेरे भाई खिलाड़ी कुमार के ऊपर अटैक करने का, कि भाई वो इत्तेफाक से उस वक्त ग्राउंड में थे और वो मैच देख रहे थे और उनके कुछ मूवमेंट्स को लोग इस्तेमाल कर करके उनके ऊपर में टारगेट करें कि देखो खिलाड़ी कुमार इंडिया को हारते हुए देखकर कितना खुश है कितना खुश है। तो भाई चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर मैं एक ही बात अंत में कहना चाहूंगा कि मुझे लग रहा था भाई कि कल जो मैच है ना वो खिलाड़ी कुमार खेल रहे थे, विराट कोहली की टीम नहीं खेल रही थी, इसीलिए सारा का सारा ठीकरा जो है वो खिलाड़ी कुमार के ऊपर फोड़ा जा रहा है। और भाई एक प्राणी है हमारे देश के जो कि इंडिया को छोड़कर जा चुके हैं देश से बाहर और वो लगातार वहां से रॉकेट दाग रहे हैं खिलाड़ी कुमार के ऊपर, लगातार बता रहे हैं लोगों को कि देखो आज एक हैशटैग है पनौती काफी चल रहा है और उसके बाद में वो विराट कोहली और अक्षय कुमार का नाम प्लस के माध्यम से जोड़कर ये बात बता रहे हैं कि भैया ये दोनों जो हैं वो इंडिया के लिए पनौती हैं, बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने इंडिया छोड़ दिया है मेरे भाई और इंडिया से दूर बैठकर वो लगातार मिसाइल इंडिया के ऊपर दाग रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन उनकी आदत यही है कि भगोड़े जो होते हैं ना भगोड़े देश से भागकर देश की बुराई करना नहीं छोड़ते हैं, ये भगोड़े जो है ना इनकी पहचान ही यही थी कि यहाँ का खाया यहीं का खाया और अपनी ही थाली में छेद करने के लिए देश से बाहर भागे हुए हैं लोग। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइए।